सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सुरक्षा बलों के जवानों की जो छुट्टियां हैं उनमें भारी बदलाव होने जा रहा है। अब उनको CL जो मिलती थी 8 दिन, उसको बढ़ाकर 15 दिन और EL को 30 दिन से 60 दिन करने का प्रस्ताव सरकार के पास में लंबित है। और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्दी ही ये जो छुट्टियां हैं, ये बढ़ी हुई छुट्टियां हैं, वो सुरक्षा बलों के जवान हैं उनको मिल जाएंगी। तो केंद्र सरकार सुरक्षा बलों के जवानों को छुट्टियों की व्यवस्था को बदलने का विचार कर रही है। इसके मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र सीमा बलों के स्थायी मुख्यालयों, सेक्टर कमांड व फ्रंटियर ड्यूटी में तैनात जवानों व अधिकारियों के लिए मौजूदा CL श्रेणी के अवकाश को 8 से 15 दिन और EL को 30 से बढ़ाकर 60 दिन करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही काम के दिन को सप्ताह में 5 दिन से बढ़ाकर 6 दिन किया जा सकता है। फील्ड ड्यूटी के लिए यही व्यवस्था लागू है और मंत्रालय की ओर से इस संबंध में सशस्त्र बलों से सुझाव मांगा गया है। केंद्रीय सशस्त्र बलों में जारी किए गए आंतरिक नोट में 18 फरवरी तक मुख्यालय में तैनात लोगों को ड्यूटी की प्रकृति, छुट्टियों, कामकाज के घंटों, शनिवार रविवार के दिन में काम की जरूरतों के बारे में जानकारी मांगी गई है। और सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय सुरक्षा बलों के जवानों व अफसरों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के अलावा उनकी ड्यूटी व छुट्टियों को तर्कसंगत बनाने पर मंथन कर रहा है। इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है और क्षेत्र में भी तैनात जवानों को जरूरत पर छुट्टियां मिलें, इसके लिए भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सुरक्षा बलों के महानिदेशक लगातार जवानों व अधिकारियों से उनकी तैनाती के दौरान कठिनाइयों को लेकर मंथन कर रहे हैं और सुरक्षा बलों की ओर से कई बार मांगें भी की गई हैं कि उनके मुख्यालयों पर 5 के बजाय 6 दिन काम हो, लेकिन छुट्टियों की संख्याएँ बढ़ाई जाएँ। तो दोस्तों, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्दी ही सुरक्षा बलों के जवानों की छुट्टियों में भारी बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि लगभग जो छुट्टियां अभी वर्तमान में मिल रही हैं उनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इसके बारे में मालूम चल सके और सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, यदि सूचना आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। धन्यवाद।